नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। दतिया में चल रहा लॉकडाउन, जिला प्रशासन के सख्त आदेश, जिसके चलते कोविड 19 का उल्लंघन कर रही झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर प्रशासन द्वारा दी गई दबिश, क्लिनिक को किया गया सील। रात्रिकालीन गश्त के दौरान अपर कलेक्टर एके चांदल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीएम अशोक चौहान एवं तहसीलदार नितेश भार्गव द्वारा रिचरा फाटक स्थित माँ दुर्गा क्लिनिक को खुला दिखने पर देखा गया कि कोविड 19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। पेशेंट की भीड़ यहाँ लगी हुई है, जिसके चलते प्रशासन के अमले ने की कार्रवाई। डॉक्टर का नाम डॉक्टर एमएल कुशवाहा इसमें बताया जा रहा है। देखिए इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने। रात्रि में लगातार रोज ही भ्रमण हो रहा है, कल रात्रि में ही भ्रमण था तो कुछ दुकानें जो है एक आध दुकान छुपी टाइप से कहीं खुलने में जो है खुली मिली थी और एक झोला छाप डॉक्टर की भी दुकान खुली मिली थी, जिसको प्रशासन के द्वारा सील किया गया है और लगातार ये कार्रवाई चलती है। सर, क्लिनिक पे क्या कुछ ऐसे मरीज मिले थे? वहाँ मरीज थे और सोशल डिस्टेंसिंग में भी नहीं थे और वो झोला छाप डॉक्टर भी था, उनको समझाइश भी दी थी मरीजों को कि आप अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर के यहाँ दिखवाएं और प्रशासन के द्वारा उसको सील किया। सर, जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो ऐसी प्राइवेट क्लिनिक पे अपना इलाज करा रहे हैं? सर, निश्चित रूप से चूंकि अभी बड़ा क्राइसिस समय है और कोरोना महामारी फैली हुई है तो रजिस्टर्ड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर जो डिग्रीधारी हैं उनको पब्लिक दिखाएं, ये छोटे मोटे नीम हकीम और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना। बीसीएन न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कस्बा में उत्पात मचाते पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर पन्ना द्वारा कस्बा में 7 तारीख को कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने व शासन प्रशासन के आदेश की तामिली हेतु पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीके सिंह परिहार के निर्देशन में अजय बागमारे, एसडीओपी पन्ना के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सोनी के द्वारा कस्बा में कोरोना कर्फ्यू के पालन हेतु टीम बनाकर लगातार लोगों को समझाइश दी व कर्फ्यू का पालन करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते 6 तारीख को कोरोना कर्फ्यू के पालन कराने हेतु कस्बा में रवाना पुलिस टीम को कस्बा में अलग अलग जगह 18 अनावेदकों द्वारा उत्पात मचाते पाए जाने पर उनके विरुद्ध मौके पर धारा 191 जाफो की कार्रवाई करते हुए एसडीएम पन्ना के समक्ष पेश किया व 5,000 रुपए की प्रतिभूति से पावन करवाया गया है एवं कस्बा अनावश्यक घूमते पाए जाने पर 17 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 4,500 रुपए समन शुल्क की राशि वसूल की गई है एवं बिना मास्क के घूमते पाए जाने वाले 8 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 800 रुपए समन शुल्क वसूला गया। उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक अरुण कुमार सोनी, सरिता तिवारी, उप निरीक्षक जीएस वाजपेयी, सोनम शर्मा, निरंकार सिंह, ईश्वर सिंह, रामकृष्ण पांडे, सी के बागरी, प्रेमलाल शर्मा, सकीफ मोहम्मद, वृंदावन प्रजापति, आर अरुण सिंह, सत्येंद्र बागरी, रामपाल बागरी, विक्रम सिंह, आरक्षक प्रदीप पांडे, ब्रह्मदत्त शुक्ला, बीरेंद्र कुमार, तेजेंद्र जयेंद्र, विनय शर्मा, रविकरण राजपूत, सुद्रम त्रिपाठी, मनोज प्रजापति, नीलेश प्रजापति, अरुण सिंह, जयेंद्र पाल, धर्म सिंह सोलकी, निधि सिंह, आर शालक मुन्नालाल का सराहनीय योगदान रहा। बीसीएन न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से कोरोना कर्फ्यू के दौरान पन्ना जिले में शराब माफियों द्वारा अवैध रूप से शराब के परिवहन एवं बिक्री करने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना ने जिला के समस्त थाना प्रभारियों को विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक अरविंद कुजूर को सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप वाहन में भारी मात्रा में शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। उक्त वाहन बनहरी के शराब ठेके से अवैध शराब भरकर सतना ले जा रहा है। थाना प्रभारी अजयगढ़ द्वारा तत्काल उक्त सूचना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी अजयगढ़ को आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी अजयगढ़ द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशों का पालन करते हुए थाना के पुलिस बल को साथ में लेकर मुखबिर के बताए स्थान पर जाकर वाहन चेकिंग लगाई।
कुछ समय बाद जब एक सफेद रंग की पिकअप आती हुई दिखी जो चेकिंग लगाए गए स्थान से करीब 30 मीटर पहले रुक गई और उससे 3-4 लोग निकलकर जंगल तरफ भागने लगे, जिन्हें पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। उनमें से एक व्यक्ति काफी प्रयास के बाद भी जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। तीनों व्यक्तियों से पुलिस द्वारा नाम पता पूछे गए एवं पिकअप वाहन की तलाशी ली गई, जिससे कुल 125 पेटी शराब पाई गई, जिसमें से प्रत्येक पेटी 45-45 क्वार्टर पाए गए। प्रत्येक क्वार्टर में 200 ml शराब होना पाया गया। उक्त तीनों व्यक्तियों से इस अवैध शराब के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि बनहरी शराब दुकान के गद्दीदार और बुलेरो पिकअप वाहन के ड्राइवर द्वारा उक्त शराब लोड करवाकर सतना ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं बुलेरो वाहन को शराब सहित जब्त किया गया। मामले में फरार आरोपी की तलाश जारी है। उक्त संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी अजयगढ़, निरीक्षक अरविंद कुजर, उप निरीक्षक रतिराम प्रजापति, सहायक उप निरीक्षक रामवतार पटेल, प्रधान आरक्षक ब्रिजकेतु रावत, वीर नारायण सिंह, नफीस मोहम्मद, अशोक कुमार, आरक्षक सर्वेंद्र कुमार, मनीष विश्वकर्मा, अजय पटेल, मनोज पटेल, देवराज पटेल, नरेंद्र कुमार, तरुण वर्मा, सुधीर राजेश कुमार, प्रमोद पाल, चालक आरक्षक हरिचरण विश्वकर्मा एवं सौ डायल चालक गुमान सिंह की सराहनीय भूमिका रही। BCN न्यूज के लिए पन्ना से कैलाश पांडे की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संजय कुमार की दरिया दिली आई सामने। कोरोना कर्फ्यू में रोको टोको अभियान के तहत जब एक लड़की से कलेक्टर ने पूछा कहा जा रही हो, तो जवाब आया सर ड्यूटी से आ रही हूँ, साइकिल सही ना होने से लेट हो जाती हूँ, फिर क्या था। इस प्रकार कोरोना योद्धा की स्थिति का देख दतिया कलेक्टर ने अगले दिन नई साइकिल व आर्थिक सहायता कर दरिया दिली की मिसाल पेश की। इसी दौरान पत्रकारों द्वारा मेडिकल कॉलेज के नवीन OPD वार्ड में अनियमितताओं को लेकर सवाल किया गया, तो कलेक्टर ने जवाब देते हुए कहा जो भी अनियमितताएं करेगा दंड का भागी होगा, कोई भी हो ना, यह समय आपदा का है जिसमें सभी का सहयोग है, लेकिन आपदा में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय बात नहीं है, कल बच्ची जा रही थी तो रोक टोक में हम लोगों ने रोका तो बताई कि हमने अभी 2 दिन पहले ही एज ए नर्स ज्वाइन किया है और बहुत ही गरीब घर से आई है बच्ची और अभी 2 दिन पहले उसकी बड़ी टूटी हुई सी साइकिल थी, तो हम लोगों ने एक साइकिल उसको नहीं दे दी और चूँकि बच्चे ने नई नौकरी ज्वाइन की है तो उसको जैसे आगे तो फिर खुद ही कमाएगी और चूँकि अभी कोरोना वायरियर्स है और इस समय में भी उसने सेवा को ज्वाइन किया है और आम गलतियों को और उनसे कहा है कि उसको सुधार लें और होपफुली वो जो कुछ गलतियां हैं जिसके कारण परिजन को दिक्कत हो रही है, मरीजों को दिक्कत हो रही है और पूरी व्यवस्था को चलाने में दिक्कत हुई है, उन्होंने उनको अवगत कराया और उन्होंने माना है कि हाँ कुछ त्रुटियाँ हैं, लोड ज़्यादा है, सिस्टम पे लोड ज़्यादा है तो निश्चित तौर से स्ट्रेस में है, मैं उसको समझते हुए क्योंकि टीम वही है उसी से काम चलाना है। सर आज दो लोगों को निलंबित कर दिया है सर, शिक्षकों को। हाँ, जो लापरवाही करेगा क्योंकि ये महामारी का समय है, सबको आगे आना है, अपने को बचाते हुए सेवा करनी है। इस समय जो कोताही करेगा खासतौर से सरकारी आदमी और दूसरा काम तो कोई कर नहीं रहा, केवल एकमात्र काम है कोरोना का नियंत्रण और जनता की सेवा। इसमें अगर किसी को ड्यूटी किसी भी कारण से लगाई जाती है तो उसको करना होगा, अगर कोई खास कारण है तो जरूर उसको समझा जाएगा, बट अगर कोई बहाना है। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। गुरुवार की शाम मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना कर्फ्यू के समय में वृद्धि एवं कठोरता की घोषणा की गई एवं प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमण की चेन पर पाबंदी लगाने के भी निर्देश दिए गए कि दतिया कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मिलकर अपने दल बल के साथ एक अलग अंदाज में दतिया शहर का भ्रमण किया। इस बार भ्रमण में बड़ी गाड़ियों को ना लेकर बाइकों का लिया गया सहारा, क्योंकि जहां बड़ी नहीं पहुंच सकती वहां बाइक आराम से जा सकती है। इस भ्रमण दौरान बेवजह घूम रहे लोगों को चेतावनी देकर घरों में रहने की अपील की, साथ ही मेडिकल स्टोर एवं क्लिनिकों पर भीड़ देखी गई, गाड़ियों को रोक सोशल डिस्टेंसिंग एवं एक व्यक्ति के प्रवेश पर हिदायत दी गई। इस बाइक रैली में भ्रमण के दौरान सिविल लाइन चुंगी राजगढ़ चौराहा टाउन हॉल शहर का किला चौक पीताम्बर चौराहा जैसे मुख्य स्थान सम्मिलित रहे और इस दौरान SDM अशोक चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, कोतवाली TI धनेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित रहे। आखिर क्या कुछ कहा दतिया कलेक्टर संजय कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने, आइए देखिए। तो हम लोग लगे हैं और आगे भी करेंगे। अगला जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मई तक
और ये जो जनता कर्फ्यू है उसको बढ़ाने का ऐलान किया है। हम लोग भी क्राइसिस कमेटी में इसको अनुमोदित किया है क्राइसिस कमेटी ने, तो एक ऑर्डर करेंगे एक दो दिन बाद, और अगले जो 10 दिन और बचता है हमारे पास अभी इसका, कोशिश करेंगे 10 दिन में एक संतोषजनक नियंत्रण हो जाए, ताकि हम फिर धीरे धीरे जो व्यापारिक गतिविधि है उसको धीरे धीरे खोलने की स्थिति में, अचानक तो नहीं खुलेगा, धीरे धीरे खोलने की स्थिति में। तो 10 दिन जो अगला है हमारे लिए क्रूशियल है, और कोशिश करेंगे कि जो कोरोना का चेन है जो अलग अलग जगहों से बन रहा है, जो लोग कुछ तफरीक करने के निकलते हैं, बेकार के कामों के लिए निकलते हैं, उसको तोड़ेंगे, कड़ाई करेंगे, और जो दूसरे उपाय हैं वो भी करेंगे। पूरे शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया कि 15 मई तक किसी प्रकार सख्ती को जारी रखना है। शहर में हमारे फिक्स पॉइंट लगे हैं, हमारी 4-व्हीलर तो भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलियां होती है जहां पे अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग पालन नहीं कर रहे हैं, कट मार के चले जाते हैं जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो आज की जो पूरी एक्साइज थी उसका प्रयोजन यही था कि ऐसी गलियों को हम टारगेट करें, काफी सारे लोग हमें मिले भी अनावश्यक घूमते हैं, उनकी गाड़ियों की हवा भी निकाली गई है, और कल से हम किसी चीज़ को 4-5 में डिवाइड कर देंगे, लगभग लोगों पूरा जो शहर है उसको सुबह शाम कवर किया जाएगा। मीडिया के और सभी सम्मान्य बंधुओं के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी रतियावासियों से कि जो भी पाबंदियाँ शासन लगा रहा है उनका पालन करें। पिछले कुछ दिनों में संक्रमण की दर में कमी आई है, वो बहुत ही अच्छा एक संकेत है, किंतु फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल भी निगाह नहीं बढ़ना, और इसी प्रकार हम लोग अगर अनुशासित रहे तो आने वाले 10-12 दिनों में निश्चित तौर पर पूरी तरीके से। BCN न्यूज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। इस वक्त कस्बा गोवर्धन में लॉकडाउन के चलते थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा लॉकडाउन का पूरा पालन कराया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह से बाहर घूमने या बिना वजह इधर उधर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं गोवर्धन पुलिस भी अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? अच्छा, क्या कुछ हुआ है? आप यहाँ गोवर्धन थाने में खड़ी है, बताया जा रहा है आपको बच्चा गायब हो, क्या कुछ मामला है, पूरी बात बताएं। ये 11 बजे तक आया था बच्चे को ढूंढ लिया, पूरे परकम्मा वगैरह में मैं ढूंढ के आया, परेशान हो गए, फिर उसके बाद थाना में रिपोर्ट कर कौन हुआ क्या था पूरी बात बताएं। हुआ कुछ नहीं है, अपने आप निकल आया था खाना खा के घर से। कौन निकल आया था? बच्चा। क्या नाम है? ऋषभ। कैसे निकल आया था? वैसे लेकर आया डोल के खेलते खेलते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फिर ये पता ही नहीं चला, फिर टाइम 11 बजे से फिर गायब हो गया। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने में नहीं दी? थाने में दी जी। उसके बाद क्या हुआ? रिपोर्ट करवा, फिर फोटो दिए, फिर उन्होंने बताया कि कहीं बैठा हुआ है, फोटो दिखा के फिर आप बाहर बैठ। किसने बताया कि बैठा हुआ है? पुलिस कर्मियों ने बताया। सर, अभी आपको बच्चा आपको सकुशल मिल गया? क्या कहना चाहती है? पुलिस ने अपनी कार्रवाई अपने ठीक ठाक तरीके से की या फिर कुछ? अब आप खुश है? पुलिस के लिए क्या कहना चाहती है? BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।